प्रणाम। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड की प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करें। एक तरीका है कि आप थायरोक्सिन हॉर्मोन्स आर्टिफिशियल रूप से लेते रहें और अपने जीवन को चलाते रहें। दूसरा तरीका है इसको पूरी तरह से आप ठीक करें। ठीक करने के लिए थायराइड ग्लैंड को आपको कुछ योगिक क्रियाएं, कुछ खान पान में चेंज और कुछ आसनों का अभ्यास करना होगा। बहुत सरल है, बस निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। पहले हम ये समझें कि थायराइड है क्या। थायराइड ग्लैंड हमारे गले के भाग में एक बटरफ्लाई की शेप की एक ग्रंथि है जो थायरोक्सिन हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करती है। ये थायरोक्सिन हॉर्मोन्स कई बार ग्लैंड अधिक मात्रा में सिक्रेशन करने लगती है तो उसे हाइपर थायरॉयडिज्म कहते हैं। इससे आपके शरीर का वेट अचानक से कम होने लगता है, हार्ट बीट इरेगुलर रहने लगती है और शरीर में वीकनेस आकर मेटाबॉलिज्म आपका बिगड़ जाता है। दूसरा, जब थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हॉर्मोन्स को ठीक से सिक्रेट नहीं कर पाए, उसको ठीक से बना नहीं पाती, तो थायराइड ग्लैंड वीक पड़ जाती है और आपका वेट बढ़ने लगता है। अधिकांश लोगों को यही बहुत बड़ी समस्या है। भारत में 10 लाख से भी अधिक रोगी एक साल में थायराइड के शिकार होते हैं और इसका इलाज आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स नहीं है। मैं फिर से ये बात आपको गंभीरता से बताना चाहता हूँ। आप छोटी सी टैबलेट 25 mcg से शुरू करते हैं और 50 mcg, 75, कई बार तो 150 तक वो चली जाती है और इंजेक्शंस लेने की भी स्थिति आ जाती है। तो आप इसे नेचुरल तरीके से पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, बस आपको कुछ सावधानियों की आवश्यकता है खान पान में और रेगुलर नियमित रूप से योग करने की आवश्यकता है। वेट बढ़ने की समस्या बहुत अधिक है। वैसे तो हाइपर थायराइड की प्रॉब्लम भी बहुत अधिक है। तो आज हम एक ऐसा मध्यम रास्ता मैं आपको बताऊंगा जिसको यदि आप करते हैं तो हाइपर थायराइड की प्रॉब्लम हो या हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम हो, दोनों ही समस्याओं का समाधान आप कर सकेंगे। जिनका TSH लेवल 6 से 7 के आसपास है उनका बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और जिनका इससे अधिक है उनको थोड़ा सा समय लगता है, लगभग 1 से 2 महीना 3 महीने तक कई बार लग जाता है। और जिनका TSH लेवल अधिक चला जाता है, थायराइड ग्लैंड बहुत अधिक वीक हो गई है, पुअर हो गई, तो उनको साथ में कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का भी हम प्रयोग कराते हैं तो रिजल्ट 100% आता है। सबसे पहले थायराइड की प्रॉब्लम में हम एक प्राणायाम करेंगे, उज्जायी प्राणायाम। उज्जायी प्राणायाम कैसे करेंगे इसको आप ध्यान से देखें। आंखें बंद करेंगे, अपने ध्यान को अपने कंठ भाग पर ले आएं, गले पर, क्योंकि गले में ही हमारे थायराइड ग्लैंड है, तो गले पर अपने भाग को लाएं और गले को संकुचित करेंगे, सिकोड़ेंगे गले को, अंदर से मांसपेशियों को थोड़ा संकुचित करते हुए श्वास को अंदर भरना है नासिका से, इस प्रकार से। श्वास अंदर लेने के बाद फिर बंद लगाएंगे, जालंधर बंद, मूल बंद भी इसमें लगाएं। मूल बंद NS भाग, जो हमारा नाभि से नीचे का जो भाग है उसे ऊपर की ओर खींच लीजिए, अपनी मूत्र इंद्रियों को ऊपर की ओर खींच लीजिए। तो दो बंद इसमें आप लगाएं, जालंधर बंद, गर्दन को थोड़ा सा हल्का नीचे की ओर झुकाते हुए संकुचित करेंगे, गले पर ही फोकस करें, फिर बंद हटाएं और राइट नोस्ट्रल को बंद करते हुए लेफ्ट से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से आप देखें, बंद लगाएं, जालंधर बंद और मूल बंद, अपने भीतर प्राण शक्ति का अनुभव करो।
फिर राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। इस प्रकार से आप लगभग 7 मिनट इसका अभ्यास करें, कम से कम 10-15 बार आपका ये हो जाता है 7 मिनट में, तो आप इस उज्जायी प्राणायाम को यदि ठीक से करेंगे, ध्यान पूर्वक करना है ये। देखिए, कोई भी प्राणायाम जब तक आप ध्यान के साथ नहीं करेंगे उसका रिजल्ट आपको पूरा नहीं मिल पाता। फिर आपको लगता है कि मैंने किया और मुझे योग से फायदा नहीं हुआ। योग से 100% लाभ होता है यदि आप अपने 100% को दें, पूरे मन से करें, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो उज्जायी प्राणायाम आपको करना है। दूसरा, अपने घुटनों के बीच थोड़ा गैप करना है, इस प्रकार से दोनों हथेलियों को इस आगे ऐसे रखें और श्वास को अंदर भरेंगे, सिंह गर्जना, शेर की तरह दाढ़ेंगे, गले पर पूरा फोकस करेंगे। इसमें भी श्वास अंदर भरें और गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे, गर्दन ऊपर की ओर उठा कर रखेंगे। श्वास भरा, दृष्टि सामने रहेगी आपकी, लगभग 3 से 4 फीट की दृष्टि पर। एक बार फिर से इस प्रकार से उज्जायी प्राणायाम और ये सिंह गर्जना करने के बाद फिर आप दोनों हथेलियों से आपस में घर्षण करें, रगड़ें दोनों हथेलियों को, गले पर पूरा ध्यान बनाए रखें, गले की मसाज करें ऊपर से नीचे की ओर। ऐसे गले में जो स्लाइवा आ जाता है उसे अंदर ही लेते हुए गले की आप मसाज कर लीजिए। तो ये दो अभ्यास आपको करना है, उज्जायी प्राणायाम और सिंह गर्जना। इसके बाद दो अभ्यास आपको और मैं दिखा रहा हूँ, आप उनको भी करें। आप सीधे लेट जाएं, सर्वांग आसन का अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करना है, जो कर सकें वो करें, नहीं तो आप दीवार की सपोर्ट से भी करने की कोशिश करें। इस प्रकार से देखिए, श्वास लेते हुए दोनों पैरों को उठाएं 90 डिग्री पर, फिर अपने पीठ को ऊपर उठाते हुए पैरों को ऊपर ले जाएं, बिल्कुल सीधा करें। आपकी गर्दन पर कोई दबाव ना पड़े अधिक, ध्यान रहे। गले के भाग पर पूरा ध्यान बनाए रखें। फिर वापस आते हुए पहले पैरों को पीछे ले जाएं, धीरे से अपनी हथेलियों को नीचे रखते हुए पैरों को 90 डिग्री पर ले आएं और श्वास को छोड़ते हुए वापस धीरे से नीचे। इस अभ्यास को आप दीवार की सपोर्ट लेकर भी कर सकते हैं। कुछ समय होल्ड करना है, लगभग 10-15-20 सेकंड, 30 सेकंड तक आप जितना अपने कैपेसिटी के अनुसार होल्ड करें, रोकें। ऊपर जाने के बाद श्वास नॉर्मल स्थिति में होगा, गर्दन पर आपके दबाव नहीं आएगा, केवल गले के भाग में एक संकुचन होगा, गले के भाग पर एक दबाव पड़ेगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दूसरा अभ्यास आप करें, दोनों पैरों को मिलाएं, अपनी एल्बो से सपोर्ट लेते हुए इस प्रकार से गर्दन को पीछे की ओर होल्ड करें, गर्दन को पीछे की ओर इस प्रकार से होल्ड करें, श्वास अंदर, कुछ समय रुकने के पश्चात फिर आप वापस गर्दन को सीधा कर दें। लगभग 30 सेकंड के लिए फिर शवासन की स्थिति में आप लेट जाएं और डीप श्वास लें, धीरे धीरे अपने गर्दन के भाग को ढीला छोड़ते हुए गले के भाग को बिल्कुल सामान्य स्थिति में ढीला छोड़ें, श्वास लें धीरे धीरे, शवासन की स्थिति में बॉडी को रिलैक्स होने दें। तो इस प्रकार से आपने इन दोनों अभ्यासों को देखा, इन्हें भी आप करें, उज्जायी प्राणायाम करें, सिंह गर्जना करें, सर्वांग आसन और शलभासन।
इन अभ्यासों को यदि आप प्रतिदिन करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी थायराइड की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक होगी। आपको जीवन पर्यंत मेडिसिन खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ में आप अपने खान पान का ध्यान रखें। खट्टी, ठंडी और लेसदार चीज़ें जिनमें लेस हो, जैसे भिंडी, अरबी, इनको आप कुछ दिनों के लिए अवॉइड करें। लगभग एक महीना आप इनको छोड़ दें। भारी चीज़ें ना खाएं, हल्की चीज़ों का प्रयोग करें, सुपाच्य भोजन का प्रयोग करें। खट्टी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, खट्टी चीज़ें खाने से थायराइड ग्लैंड आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। और ठंडा ना खाएं, एक सामान्य टेम्परेचर पर ही आप भोजन ग्रहण करें, पानी भी आप नॉर्मल टेम्परेचर पर पिएं। तो इस प्रकार से खाने पर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और साथ में एक मैं आयुर्वेद का औषधि आपको बता रहा हूँ, बहेड़ा। बहेड़ा आप मार्केट से कहीं भी आपको मिल जाता है, किसी भी दुकान से, पंसारी से, तो आप लगभग 100 ग्राम बहेड़ा ले लें, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लें। दिन में 4-5 बार बहेड़े को चूसते रहें, मुँह में रखें और चूसते रहें, तो इससे भी आपके थायराइड ग्लैंड को बहुत अधिक लाभ होता है। धनिए का प्रयोग करें, धनिए को रात को पानी में भिगा दें और सुबह उस पानी को आप पी लीजिए खाली पेट, आधे घंटे तक कुछ भी ना खाएं, ये भी आपके थायराइड के लिए बहुत लाभकारी है। जिनका थायराइड की प्रॉब्लम बहुत अधिक है, TSH अधिक बढ़ा हुआ है, वो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इन सब अभ्यासों को करने के साथ साथ आप कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ भी हम इसमें प्रयोग कराते हैं, उनका भी आप प्रयोग करें, क्योंकि TSH बहुत अधिक बढ़ने पर थायराइड ग्लैंड बहुत अधिक पुअर हो जाती है, तो थोड़ा औषधियों की सपोर्ट लेना आवश्यक पड़ जाती है। तो आप औषधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर आपका थायराइड का प्रॉब्लम अधिक है, तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, ये औषधियाँ आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। आप कहीं पर भी हैं, कोरियर के माध्यम से आप तक भेज दी जाती हैं। तो इन सब अभ्यासों को आप करेंगे और आप अपने थायराइड की प्रॉब्लम से पूरी तरह से मुक्ति पाएंगे, क्योंकि जो थायरोक्सिन हॉर्मोन्स आप आर्टिफिशियल लेते रहते हैं, वो जीवन पर्यंत आपको, जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको खाता रहना होगा और उसकी डोजेज बढ़ती रहती है, वो उपचार नहीं है। तो हम उपचार की बात करें, जब हमारे पास चिकित्सा है तो उसका प्रयोग करना चाहिए। थायराइड को ठीक करें, इसके दुष्प्रभाव से बचें, अपने आप को स्वस्थ रखें, निरोग रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम जल्द ही एक अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।